दसवीं के पहले बच्चों, हमारे इस यूट्यूब पर सबका स्वागत है। देखो मैं आज पार्टनर ईमानदारों के सम्मेलन में इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑनेस्ट पर्संस, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑनेस्ट पर्संस से अंग्रेजी में कहते हैं, इस पार्ट के लेखक है हरिशंकर परसाई जी इस पार्ट के लेखक है। पहले लेखक परिचय देखो, नाम हरिशंकर परसाई जी, जन्म 22 अगस्त 1924 का हुआ, स्थान है मध्य प्रदेश के जवानी नामक गांव में हुआ। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले ये हरिशंकर परसाई जी क्या मानते हैं, कलम को लेखक की तलवार मानते हैं। जिस तरह एक युद्ध में तलवार जरूरी है, उसी तरह लेखक को कलम बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, वैष्णव का मिश्रण आदि, हिंदी के वेद साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है, श्रेष्ठ है। एक व्यंग रचना है ईमानदारों के सम्मेलन में, एक व्यंग रचना है। अभी तो एक परिचय हुआ, इस पाठ का आशय और क्या सीखते देखो। इस पाठ का आशय है, एक व्यंग रचना है, ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। देखो, ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। बेईमानी भी एक अवगुण है, हम बेईमानी से दूर रहे। इस तरह इस पाठ का क्या है ये आशय। नए शब्द के मैंने आज नए शब्द कहेंगे आपको, अभी में उससे पहले शब्द आपको मालूम नहीं हुआ है दूसरे पाठ में। देखो शब्द आता कतरिए कभी भी, उदयमान नए, क्या उदय होने वाले नए लेखक, उदयमान नए, हल्फिया यानी कसम से, ये हल्फिया शब्द अरेबिक शब्द है, एक कसम से होता है। प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट यानी चुना हुआ व्यक्ति, सिलेक्ट किया हुआ ऐसा व्यक्ति, एक पक्ष द्वारा हम एक आदमी को भेजते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, इसे कहते हैं डेलीगेट पर्सन। गनीमत यानी खुशी की बात, गनीमत खुशी की बात, आयोजन करता हमें ऑर्गेनाइजर और व्यवस्थापक, गोष्ठी यानी सेमिनार चर्चा, विभिन्न विषयों पर चर्चा जो करते इसे कहते हैं गोष्ठिया। कागजात यानी रिकॉर्ड, कुछ कागज के रिकॉर्ड, सहानुभूति यानी सांत्वना, सहानुभूति यानी क्या सांत्वना, ऐसा अंग्रेजी में कहते सिंपति दिखाना, सहानुभूति दिखाना, सांत्वना दिखाना। इतमीनान यानी क्या शांति से, विश्वास से, शांति से इतमीनान। सिरहाना यानी क्या पिलो, गजब की बात है, आश्चर्य की बात, आश्चर्य। हरारत यानी क्या है, हल्का ज्वर या गर्मी, हल्का ज्वर यानी लिटल फीवर। इस तरह एक क्या है नए शब्द मैंने आपको दिया, इसे ध्यान से लिखना है पेरू में और पढ़ना है, ध्यान से पेरू में लिखना है। प्रस्तुत व्यंग रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है, एक सोशल क्या है असंगति है, संगति यानी क्या योग्य, संगति क्या योग्य,
योग के बाद का संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग का सुंदर सम्मिश्रण है। इसमें क्या है, विनोद व्यंग का सुंदर यानी क्या बहुत सुहाना मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का भंडाफोड़ दिया है। पर्दाफाश करना है क्या, भंडाफोड़ करना, सत्य प्रस्तुत करना, सत्य बाहर करना। देखो इस रचना के ईमानदार के सम्मेलन में इस रचना से रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का क्या क्या भंडा हो दिया है। उसका बेईमान कैसे, ईमानदार कहलाने वाले कैसे बेईमान होते हैं, इसके बारे में बताया है। मैंने या लेकर बताया, लेकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। मैंने कतरे ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें जिससे ईमानदार माना जाओ। देखो खुद हरिशंकर परसाई लेखक ये क्या है, एक क्या रहते हैं, डेलीगेट रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं और सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आते हैं, लेकिन वे ही क्या है मालूम क्या, वे ही बेईमान होते हैं। इसलिए वे क्या बताते हैं, देखो एक गेस्ट के रूप में उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया, लेकिन वो क्या 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 कि देखो मैंने कतई कभी भी ऐसा कुछ ईमानदार का काम नहीं किया, प्रामाणिक का काम नहीं किया मैंने कुछ भी जिससे ईमानदार माना जाओ, प्रामाणिक माना जाओ, वफादार माना जाओ। न जाने मुझे कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं, ये उनकी झूठी कल्पना हो गई है। व्यवस्थापन करता आयोजन करता ने ये क्या एक उद्घाटन के लिए बुलाया है, तो न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, लेखक को पत्र मिलता है, क्या पत्र मिलता है, पत्र में क्या लिखा होता है, हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आयोजन कर्ताओं ने क्या पत्र लिखा था लेखक को, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, यानी क्या ऑनेस्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। उस पत्र में क्या लिखा था, न ही गांव के न ही शहर के बल्कि आप एक देश के एक कंट्री के प्रसिद्ध ईमानदार है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। देखो उद्घाटन करना क्या ओपनिंग करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। बोलूंगा हम आपको आगे जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। और उस पत्र में क्या लिखा था उन्होंने बच्चों, ये आने जाने का पहले दर्जे का यानी क्या फर्स्ट क्लास, पहले दर्जे का यानी फर्स्ट क्लास का टिकट। किराया क्या टिकट का खर्च, किराया क्या टिकट का खर्च। पहले दर्जे का खर्चा दिया जाएगा, देंगे तथा आवास भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। देखो आवास यानी क्या, रहने की व्यवस्था, रेसिडेंट की व्यवस्था, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा बुद्धिमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यानी उस पत्र में इतना लिखा हुआ था कि आपके आगमन से क्या आपके आने से ईमानदारों
प्रेरणा मिलेगी। मैं गया उस पत्र पढ़ने के बाद लेकर गए, लेकिन हल क्या कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। हल्फ यानी क्या? कसम से। हल्फ यानी कसम से, यानी मैं कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं या ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, एक ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक को ईमानदार देश का ईमानदार मानकर बुलाया उनको, और एक बहुत बड़ा ईमानदार आदमी इसने बुलाया है। लेकिन लेखक ने क्या बता रहे हैं, मैं कसम से मैं कहता हूं कि मैं ईमानदारी के लिए नहीं गया। मैं ईमानदार हूं, मैं प्रामाणिक हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, इसलिए मैं नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। लेखक कहते हैं ईमान से, ऑनेस्टी से, मेरा ऑनेस्टी से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक बेल भैया उस कार्यक्रम को बुलाते हैं, लेकिन वह इसके अपोज रहते हैं। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। देखो उनका कितने बेईमान आदमी थे लेकर कि उनको पहले दर्जे का किराया मिलने वाला था, लेकिन वे दूसरे दर्जे से प्रवास करने वाले थे। देखो दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जे का किराया लूंगा। यानी वहां बेईमान क्या करते बोल रहे हैं कि पहले दर्जे में पैसे ज्यादा रहते हैं, खर्च ज्यादा होता है, वो दिखाने वाले हैं, लेकिन जाने वाले कैसे दूसरे दर्जे। इस तरह 150 रुपए बचेंगे। देखो उनका जाने का इरादा क्या था, मैं ईमानदार हूं, मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया गया है, इसलिए नहीं। ईमानदार है, ईमानदार से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, सिर्फ हुआ पैसे बचाने के लिए गए। 150 रुपए बचेंगे, यह बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना है, ये बेईमानी होगी, बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे, उन लोगों ने मुझे नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? इतना मुझे ईमानदार माने, मैंने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है, मुझे क्यों माना है? स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ, चले गए लेकर लेखक उद्घाटन के लिए। जहां जाते उस समय उतरे, उतरने के बाद उनका खूब स्वागत हुआ, वेलकम किया उनको। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई, बड़ी बड़ी फूल मालाएं उनको डाली गई, पहनाई गई। फिर भी वहां उन्होंने क्या सोचा, मन बिजनेस माइंड क्या है, उनका बिजनेस माइंड बेईमानी क्या है? देखो सोचा, आस पास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। देखो उनके मन में क्या आता है, बिजनेस माइंड क्या है उनका। उन्होंने क्या सोचा, अगर वहां उनको स्वागत किया उस जगह पर अगर कोई माली बेचने वाला, फूल बेचने वाला होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता और पैसे लेता था। इस तरह का मन में आता है। मुझे होटल के कमरे, बड़े कमरे में ठहराया गया। लेखक को एक होटल के कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे में बाएं और सामने दो हॉल थे, लेफ्ट साइड और सामने, बाएं के लेफ्ट और सामने दो हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। देखो सामने के हॉल में और बाजू के सब हॉल को पकड़कर क्या है, कुल 30-35 लोग, प्रतिनिधि लोग ठहरे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ठहरे थे। मेरे दो ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए, उनके कमरे में ठहरने के लिए दो ईमानदार साथी भी आए। मैंने सोचा ताला लगाया जाए,
तो इन्हें तकलीफ होगी। अब मैंने ताला लगाया तो दोनों को तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने मैंने ताला नहीं लगाया, लेकर ने ताला नहीं लगाया अपने कमरे को। उद्घाटन शानदार हुआ, बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ, ईमानदार सम्मेलन का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया ईमानदार के ऊपर, हमें किस तरह ईमानदार रहना चाहिए इसके ऊपर लगभग 1 घंटे तक लेखक ने भाषण दिया। चित्र में लिखा गया, देखो आगे की बातें हैं। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन थे, लेखक आए हरिशंकर परसाई थे। लोग जा चुके थे, फंक्शन खत्म होने के बाद जा चुके थे, मुझसे लोग बातें कर रहे थे। आम तौर पर आप देखते नहीं, आज जो चीफ गेस्ट होता है उनके साथ बातें करते हैं, लोग पहचान करवाते हैं, बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए उनको देर होती है। और जो देखने वाले फंक्शन को अटेंड होने वाले लोग पहले जाते हैं, इस तरह उनका थोड़ा देर होता है। मुझसे लोग बातें कर रहे थे, मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया, देखा मेरी चप्पले का हित थी। देखो पहला उनका बेईमानी का दुश्मन हुआ, यानी वहां आने वाले लोगों के कैसे थे, बेईमानी थे। लोग बातें कर रहे थे, इसलिए देर हुआ, वे चलने लगे, चप्पल पहनने के लिए गए तो देखते तो उनकी चप्पल का हित थी, नई और अच्छी चप्पल थी, उन्होंने क्या है अच्छी नई चप्पल पहनी थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पल बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। देखो ये बेईमान थे, पुरानी फटी पुरानी चप्पल वे पहन कर आते, यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पल कोई पहन गया है। बात फैल गई, हवा की तरफ फैल गई। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, एक चुना हुआ व्यक्ति, डेलीगेट क्या, एक चुना हुआ व्यक्ति, यानी दूसरे ओर से चुनकर उनको भेजे थे, प्रतिनिधि को भेजा जाता है। एक डेलीगेट व्यक्ति मेरे कमरे में आए, कहने लगे क्या आप चप्पले कोई पहन गया, इशारा कर रहे हैं क्या आपकी चप्पले कोई पहन गया, रेफरेंस के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है, इतना बड़ा फंक्शन है, जलसा है, कार्यक्रम है, तो इसमें चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पावों में मेरे ही चप्पल थे। देखो जो आदमी आया था, ईमानदार डेलीगेट आया था, वो कहता है कि आपकी चप्पल कोई पहन गया, तो देखा ध्यान से देखा लेखक ने तो वही चोर रहता है, यानी उनकी चप्पले कौन अदा जो हो गई थी, देखा ध्यान से देखा लेखक ने तो लेखक की चप्पले उस डेलीगेट के पैर में पाओ में थी, वह भी मेरी चप्पले देख रहे थे, ये बहुत करके उनकी ही थी। मालूमा छोड़ के चला गया था वह, और क्या अच्छे कपड़े अच्छे चप्पले पहनकर गया था। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, ये देखो पहला अध्याय लेखक के द्वारा बेईमानी, फूलों की मालाएं बेचने का, पहले दर्जे का किराया लेने का, दूसरे दर्जे में यात्रा करने का, ये क्या है दूसरी बेईमानी। तीसरी बेईमानी क्या है, दूसरे प्रतिनिधि द्वारा, क्या है डेलीगेट द्वारा, क्या हुआ है कि उनकी चप्पले गायब होना, ये तीसरा अनुभव है। वह बेहतर मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पले एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। देखो क्या कहता है, बोलो बेहतर के बिना संकोच बिना डरे, क्या कहने लगाए कि चप्पले एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारे तो दूसरी 10 फीट दूर,
तब चपड़े चोरी नहीं होती, एक ही जगह चोरी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था, आखिर मुझे चपड़े बची थे नहीं, दूसरे एक दूसरे जगह पर बची थी। मैं देख रहा था कि वह मेरे चपड़े पहने और मुझे समझा रहे थे, देखो उनके चपड़े पहनकर चोरी करता है वह और अपने चपड़े क्या करता है, दोनों जगह अलग अलग जगह पर छोड़ता है और उनके अच्छे चपड़े पहनकर आता है, उनको ही समझाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, आपकी चपड़े नहीं गई, यह गनीमत है, खुशी की बात है कि आपकी चपड़े चोरी नहीं। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है और एक गद्दे और एक चोरी बेईमानी, बिस्तर की चादर भी गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से पूछा, कहा व्यवस्थापक से कहा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी, इस तरह दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं, क्योंकि होटल वाले ने वो नहीं देखती थी, लेनी थी। मालूम दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई, गोष्ठियां क्या सेमिनार, अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, एक उद्घाटन के अवसर पर। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई, रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि दो चादरे यानी बेडशीट गायब थे। देखो रात में लौट कर आए तो देखे दो और चादर गायब, तीनों चली गई, पहले एक चादर चली गई थी, बाद में दो चली गई, तीन चादर बेडशीट चली गई। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा, कूलिंग ग्लास धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था इसलिए उनके वो ध्यान नहीं दिए। मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, बगल यानी बाजू, बाजू के कमरे में शोरगुल चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, हल्ला हुआ। अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था बाजू के कमरे में, यानी दाएं कमरे में, क्या जो शोर मचा हुआ हो रहा था कि मेरा ब्रीफकेस चला गया, यही तो रखा था, ऐसा शोरगुल शुरू हुआ। मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे, जवाब मिला पैसे तो नहीं थे, कागजात थे, रिकॉर्ड थे, कागज पत्र थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा, मैंने मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा, कूलिंग ग्लास बिना पहने चले गए, क्योंकि शाम का समय था, इसका असर उनके ऊपर नहीं हो। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई, लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, लोगों ने क्या सहानुभूति प्रकट की, सहानुभूति क्या सांत्वना सिंपथी प्रकट की, देखो सहानुभूति प्रकट की लोगों ने। सहानुभूति प्रकट की, एक सज्जन आए, एक अच्छे आदमी आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा चला गया। इस तरह वह खुद सज्जन है, खुद बिना खुद क्या है ऑनेस्ट है, ऐसा कहने के क्या है कि वह धूप का चश्मा लगाए थे,
उन्होंने क्या कहा, में आपका ग्लूकोज इसमें चला गया, तो देखा तो लेखक के पास का जो धूप का चश्मा था वह चश्मा उन्होंने पहना था। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, पहले दिन वे चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वो मेरा ही था, लेखक का था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा आपको क्या चांदनी चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, हाँ गलती कर रात को क्या चांदनी में भी गलती कर रहता है, इतनी गलती कर रही कदम से बैठ चुके थे, हाँ चांदनी रात में धूप का चश्मा लगाया जाता है। मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले कोई उठा ले गया होगा, मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इतमीनान से क्या शांति से भरोसे से तृप्ति से बैठे थे, आराम से बोल रहे थे बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, यानी क्या था गर्मी थी, थोड़ी ठंड भी थी, थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंड थी, हरारत यानी ठंडी और गर्मी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल दू, पर कंबल भी गायब था। देखो थोड़ी गर्मी थी, बाद में ठंड पड़ी थी, इसलिए लेखक ने सोचा कि बिस्तर से कंबल निकाल दू, तो कंबल भी गायब थी। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए, कुछ वॉलंटियर्स आए, कुछ मंत्री आए, समिति के मंत्री स्वागत समिति के लोग आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है, ये ईमानदार सम्मेलन है, बाहर जो चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी, बदनामी का प्रचार होगा। इस तरह जो समिति के लोगों को क्या स्वागत समिति के मंत्री आते हैं कार्यकर्ताओं को डांटते हैं, तुम्हारे ड्यूटी है इधर, तुम क्या करने लगे हो, चोरियां हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? सम्मानित जो डेलीगेट प्रतिनिधि है, चुने हुए व्यक्ति है, तो यहाँ वहां जाते हैं तो हम उनको क्या रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाश करवाता हूँ। मैंने समझाया, लेखक ने समझाया ऐसा हर किस मत कीजिए, करिए हरिजन कभी मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाश में, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, बहुत गलत बात होगी। देखो ईमानदार की तलाश में पुलिस आते गए तो ईमानदारों की तलाश में नहीं, ईमानदार सब लोग चोर है ऐसा मालूम होता है, तो ये बहुत गलत बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। एक कार्यकर्ता ने कहा तलाश किसकी करवाएंगे, आदेश से लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए, आदेश में ये व्यक्ति लगभग किराया लेकर दोपहर को ही चले गए, रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबा कर सोया, सिरहाने क्या पिलो, हाँ पिलो के अंदर भी पिलो, रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबा कर सोया, नई चपड़े और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। इस तरह रात में ये चोरी न हो जाए वस्तुएं, क्या पहनने के कपड़े चोरी सिरहाने क्या दर्दी पीटो धरकर सोते गए। सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने
अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, फरसाई जी गाड़ी आने के लिए रहे, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं, तो आखिर में जो कमरा छोड़ते उस समय ताला होता है, यह होता है उसको ताला लगाने के लिए ताला लगा देते, ऐसा सब सोचकर। पर ताला भी गायब था। और एक बेईमानी देखो, वहां आने वाले लोगों से ताला भी गायब हुआ था। ताला तो चुरा लिया, गजब हो गया, गजब क्या आश्चर्य हो गया। हाँ, मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, परेशान थे, बोले ऐसी भी क्या नाराजगी है। हाँ, इस तरह क्या मंत्री हैरान थे कि क्या बोले, ऐसी भी क्या नाराजगी है। मैंने कहा नाराज हम कतई नहीं है, नाराजगी है समाधान कोई नहीं है। बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई, चीजें तो सब चुरा ली गई, ताला तो चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूं, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा। इस तरह इस पाठ का आशय है कि जगत में अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है। ध्यान से